ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने व्यूअर्स से, अपने जो देखने वाले लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि वो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर करें, क्योंकि उनका कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं उनके कमेंट्स को ही जान के मतलब देख सकती हूँ ना कि उनके क्या विचार हैं मेरे प्रति, मेरे वीडियोज़ के प्रति उनके क्या विचार बन रहे हैं। लेकिन जो आपके बहुत सारे जितने भी कमेंट्स आते हैं, उसमें 99% जो कमेंट आता है मुझे, वो होता है सिर्फ कि बच्चे का जो जेंडर है वो प्लीज़ आप बताइए कि मुझे क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपने वीडियोस में भी आपको कई बार बोला है कि मैं जो गेसिंग कर सकती हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो लोगों को थोड़ा उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, उनसे बातें की हैं, या फिर जो आउटकम निकला है एक चीज़ से उसके हिसाब से एक गेस है। इसको आप प्लीज़ 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 100% मत मानिए। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं से 100% मान रहे हैं तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा कि आप प्लीज़ इन सारे चक्करों में मत पड़िए। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इन सारे चक्करों में मत पड़िए। सिर्फ एक गेस है, अगर ठीक बैठता है तो इट्स ओके, नहीं बैठता है तो देन इट्स ओके। इसलिए मैं 100% नहीं कह सकती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बात बता दूँ कि मैं जब ये खुद के लिए भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, तो आपके 2 या 5 लाइन के कमेंट्स को देख के मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँ। हाँ, गेसिंग मैं बोलती हूँ, गेस करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट भी किया है, लेकिन मैंने हर बार उनको लिखा है कि ये 100% श्योर नहीं है। आप कितनी भी सारी थ्योरीज उठा के देख लो, कितने भी रिसर्चेज उठा के देख लो, कोई भी आपको ये क्लेम नहीं करता है, 100% आपको कोई नहीं बता सकता है। हाँ, गेसेस कर सकते हैं लोग, बस आप उसको एक गेस मानिए, एक फ़न टाइम मानिए, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक इसके पीछे मैं इसका बहुत बड़ा आपको लॉजिक बता दी हूँ कि इसकी डिमेरिट्स एक्चुअली होती क्या है। हम लोग के सारे जो लेडीज़ हैं उनके मन में आता है कि उनका क्या होने वाला है, बेबी बॉय बेबी गर्ल, हमारे मन में ये आता है क्वेश्चन। लेकिन और सिर्फ माँ के ही मन में नहीं आता है, फादर के भी मन में आता है, घर वालों के मन में आता है, सब कोई के मन में आता है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं बुरा असर जो होता है हमारे फीटस के ऊपर पड़ता है। अब आप हंसिएगा कि ये मैंने कौन सी बात आपको बोल दी, लेकिन हाँ, मैं ये आपको सही बात बोल रही हूँ कि ये फीटस के अंदर कहीं ना कहीं इसकी डिमेरिट्स जाती है। अब मैं आपको एक अपनी खुद की बात बताती हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने एक जगह पे एक वीडियो देखी थी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, उन्होंने ये लिखा था कि जो हमारे जितने भी शरीर हैं, चाहे वो शरीर भ्रूण हो, चाहे वो शरीर बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी, हम सभी एक एनर्जी हैं। आप सभी ये चीज़ मानते भी होंगे। तो अगर कोई माँ अगर बहुत अर्जली अगर चाहती है कि उसकी जो संतान हो वो बेटी हो, लेकिन गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का है, तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना आती है कि मैं अभी तो मैंने जन्म भी नहीं लिया और मेरी माँ एक लड़की की कामना करती है, लेकिन मैं तो सेल्फ एक लड़का ही हूँ, तो क्या मुझे अपनी माँ से उतना प्यार मिलेगा। तो जब ये क्वेश्चन एक भ्रूण के मन में आ जाता है, देखिए आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मुझ पे हंसेंगे कि भ्रूण कैसे सोच सकता है, उसके अंदर इतनी सोचने की शक्ति कहाँ से आ गई। लेकिन मैं आपको बात बता दूँ, 90% ब्रेन का विकास सिर्फ और सिर्फ गर्भावस्था के दौरान होता है। तो आपके जो भी सोच विचार हैं, चाहे आप किसी तरह की जो चीज़ एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, आपकी सोच, आपकी विचार जो भी आपके मन में आ रही है, वो सीधा सीधा आपके फीटस तक ट्रांसफ़र होती है। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमें क्यों बोलते हैं कि रामायण पढ़ो, गर्भ संस्कार पढ़ो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने खुद मतलब मना किया रहता है, ये क्यों बनाया जाता है। हमारे बड़े बूढ़े कोई चीज़ अगर बोलते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ी लॉजिक होती है, जो आज जो हम लोग की जनरेशन है उसको डिनाई करती है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम जिस तरह के विचार रखते हैं, वो विचार हमारा बेबी के अंदर भी वो चीज़ ट्रांसफ़र होता है। तो कहीं ना कहीं अगर माँ कल्पना कर रही है कि मेरी होने वाली संतान लड़की होगी, लड़की होगी, वो बच्चा तो बेचारा लड़का है, तो अब ये बताइए वो अंदर ही अंदर दुखी होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करेगी जितना काम मैं हकदार हूँ, जितना मैं डिज़र्व करता हूँ। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आगे की सिचुएशन क्या होगी। तो इसलिए किसी को भी जेंडर बायस्ड इतना नहीं होना चाहिए। जेंडर बायस्ड का मतलब कि आप इतना
पक्षपात मत हो जाइए कि आपको लड़का चाहिए, आप इतना पक्षपात मत हो जाइए कि लड़की चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों ही इक्वल है, भगवान की देन है, आपकी संतान है, किसी और की संतान नहीं। आपको इतना ज़्यादा खुद से उस बच्चे के लिए प्रेम आ जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और वो बच्चा इतना सेफ फील करेगा कि नहीं, मेरी माँ जो है वो मुझे इरिस्पेक्टिव ऑफ माई सेक्स, उसने मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट किया है जैसा मैं हूँ। ये चीज़ बहुत बड़ी जो ताकत देती है, और जो भी एनर्जी जो होती है ना, उसको कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सारे लोग, चाहे वो शरीर किसी का भी हुआ, सब एक एनर्जी है। आप जिस तरह की भावनाएं अब दूसरों तक पहुंचाएंगे, मान लीजिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम है किसी के प्रति, काइंडनेस है, वो लोगों तक पॉजिटिव वाइब्स देती है, लेकिन वहीं कहीं किसी के मन में ईर्ष्या आती है, जलन आती है, तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव वाइब्स देती है। इसलिए क्यों बोला जाता है कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाइए, और गर्भ के समय से ही आपको इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। लिटरली मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आप खुशी खुशी अपने नए बच्चे के वेलकम करिए, आप जितना अच्छा कर सकते हैं उसके लिए उतना करिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना इम्पॉर्टेंट है, ना कि उसका लड़का या लड़की होके उसको डिस्क्रिमिनेट करना इतना इम्पॉर्टेंट है। आपका बच्चा में वो क्वालिटी होना चाहिए, जैसे कि क्वांटिटीज़ के पीछे मत पड़िए कि आपको 5 बच्चे हैं, आपको 6 बच्चे हैं। इनफैक्ट मैं आपको कहूँ कि आपको फैमिली प्लानिंग सही टाइम पर भी करानी चाहिए, क्योंकि एक या एक से ज़्यादा, जैसे 2 आपकी बच्चे हैं, मोर देन एनफ है, उससे ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों में क्वालिटी इन्हेंस करिए, क्वांटिटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।